मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूँ। आज एक नए क्वेश्चन को लेकर आई हैं और इस क्वेश्चन को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से बड़े विस्तार से समझने वाले हैं। आज के बाद जितने भी ये क्वेश्चन होंगे इस टाइप के, जहाँ पर आपको घनों का योग निकालना होगा, जहाँ पर आपको प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालना होगा, लेकिन वो संख्याएँ भी लगातार नहीं हैं, वो लगातार हैं विषम संख्याएं, तो उन संख्याओं का आप किस तरह से यहाँ पर घन आसानी से निकाल सकते हैं वो समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है 1³ + 3³ + 5³ up to 21³ तक की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए पहले मैं इस क्वेश्चन को पूरा करके दिखाऊँगा, उसके बाद आपको शॉर्ट बताऊँगा। चलिए पहले पूरा समझ लेते हैं। क्या है यह 1³ + 3³ + 5³ और up to यहाँ कितना है भैया 21³। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है जो हम निकाल सकते हैं वो क्यूब में उन क्वेश्चनों को निकाल सकते हैं आसानी से, जो अगर हमारे पास लगातार संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? अगर लगातार संख्याएं, मतलब एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पाँच, ये लगातार क्रम हो तो काम बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे ज़रूरत है मुझे 2³ की, यहाँ पे ज़रूरत है मुझे 4³ की, और यहाँ पे ज़रूरत है 6³ की, और इसी तरह से मैं यहाँ तक अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा भैया, इससे पहले वाली संख्या ले लूँगा 21 तक ही निकाल दूँगा और यहाँ मैं 20³ तक ले जाऊँगा। ठीक है, तो ये मैंने जोड़ दिया। अब किसी क्वेश्चन में जितना जोड़ा गया है उतना ही घटा दो, घटा भी हमने क्या करा भैया यही दिया। कुल मिलाकर अगर बात देखी जाए तो ये जो बना है ये कुछ इस तरह से बना है, 1³ + 2³ + 3³ up to 21³, मतलब इन दोनों को मैंने एक साथ ले लिया, 1³, 2³, 3³, 4³, 5³, 6³ और इसी तरह से 20³ और 21³ आ जाएगा। बाकी बचा ये मैटर, इसे लिख लिया भैया, ये माइनस का जुका तो लिखा। अब यहाँ पर मैंने एक काम करा, यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, 2³ कॉमन ले लिया मैंने। कितना कॉमन ले लिया? 2³ जो है वो मैंने कॉमन ले लिया, तो बचेगा 1³, बचेगा 2³ और बचेगा up to 10³। ठीक है भैया, यहाँ तक मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसी इस टाइप की कंडीशन आई तो आपको याद आया अपना पुराना मैटर, क्या अगर हमें घनों का योग निकालना है, लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालना, तो आपको क्या करना है, आपको करना है अंतिम संख्या गुणा उससे अगली संख्या बटे 2³। ठीक है, क्या करा, अंतिम संख्या गुणा उससे अगली संख्या बटे 2³ माइनस 2 × 4 × 8। यहाँ पर भी काम वही लगेगा क्योंकि अब ये भी लगातार हैं, इनमें भी कोई गैप नहीं है, ये सम नहीं है, ये विषम नहीं है, ये भी लगातार हैं, 1, 2, 3, 4 up to 10 तक है। तो यहाँ पर भी लगाएंगे अंतिम संख्या गुणा उससे अगली संख्या बटे 2³। कर दो भैया, 2 से अगर मैंने काटा तो 5 बार कटा। कुल मिलाकर अगर बात करें तो ये आ जाएगा 11 और 21। ठीक है, कि गुणा कर देंगे तो 11 21 कितना हो जाएगा, 11 एकम 11, हासिल को जाएगा कितना 1, और 11 × 22 और 1 23 की घात कितना आया भैया, यहाँ पर 2 माइनस 8 × ठीक है, यहाँ पर कितना गया, यहाँ पर हुआ 11 × 5 55, 11 × 5 55 की घात 2, 11 × 5 55 की घात 2। ठीक है भाई, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मुझे देखना पड़ेगा क्या 231 का स्क्वायर देखना है, तो कर दो भैया 1, 3, 2 जैसे आप करते हैं वैसे ही मैं कर दूँ एक बार। ठीक है, फिर जो है आपको अलग से भी मैं इसका एक तरीका बता दूंगा, लेकिन फिलहाल आपके लिए मैंने बिल्कुल वैसे ही कर दिया जैसे आप करते हैं। ठीक है भैया, तो ये आ गया 53,361। कितना आया? 53,361। कितना आया? 53,361। माइनस 55 का वर्ग क्या होता है?
55 का अगर वर्ग निकालना है आपको तो कुछ नहीं करना, 55 के वर्ग के लिए, 55 के वर्ग के लिए तो बहुत ही आसान चीज़ है, 25 तो जू का तू लिखना है और 5 की गुणा उससे अगली संख्या में करनी। किससे करनी? 5 की गुणा उससे अगली संख्या में करनी। 5 छंग होते हैं 30, इसका मतलब 30-25 ही आ गया, तो 8 × 30 = 25 बना। ठीक है भैया, अब यहाँ पर देखें 53 361 माइनस 25 = 200 और 8 × 3 = 24 घटा दो भैया, कितना आया 1, कितना आया 6, ठीक है भैया, कितना आया 3 में से 2 गए 1, ठीक। अब यहाँ पर 13 में से 4 जाएंगे 9 बचेंगे और 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेंगे, कुल मिलाकर 29,161 जो है इसका जवाब बना। कितना बना? 29,161 जो है वो इसका जवाब बना। तो इस तरह से हमने पूरा क्वेश्चन जो है वो देख लिया, पूरा क्वेश्चन देखा। लेकिन अगर आप लोग कहीं पेपर में ये क्वेश्चन आता है और इस तरह से करते हैं तो नंबर नहीं आने वाला। अब नंबर कैसे आएगा उसे देख लेते हैं, नंबर कैसे आएगा और किस तरह से इस क्वेश्चन को हमें हल करना है। अब मेन बात पर आ जाते हैं, मेन चीज़ पर आ जाते हैं भैया, क्या है आपके सामने यहाँ पर उत्तर है और इतना सारा मैटर था, लेकिन ये उत्तर मैंने आपके लिए रोक दिया है, बाकी सब चीज़ हटा दिया, क्योंकि यही तो हमारा मेन है, यही तो हमारा मेन उत्तर है, इसी पर हमें जाना है, इसी पर हमें जाना है। अब जाएंगे कैसे भैया? अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपके लिए योग का फॉर्मूला हमने तैयार कर दिया है। क्या? किन संख्याओं का? ये है किसका भैया? जब ये विषम संख्याओं के घनों का योग है, विषम संख्याओं के घनों का योग क्या बनेगा भैया? ये होता है n² × 2n² - 1। अब हमें जो यहाँ पर समझना है केवल n को समझना, ये n क्या है? n है यहाँ पर पदों की संख्या, n है यहाँ पर पदों की संख्या। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 21 तक है। 21 तक है तो बात ठीक है, कहीं 91 तक है, कहीं 151 तक है, फिर कैसे करोगे? गिनना मुश्किल है। तो गिनना मुश्किल है, उसके लिए भी हमने आपके लिए एक काम आसान करा। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है कि अगर आपको n निकालना तो क्या करना है? n निकालना तो निकालना है अंतिम संख्या, क्या करेंगे? अंतिम संख्या +1/2 कर देंगे, n का मान तुरंत आ जाएगा। क्या करेंगे? अंतिम संख्या +1/2 करेंगे। और अगर आपको घनों का योग चाहिए, विषम संख्याओं के घनों का योग चाहिए, तो उसमें पदों की संख्या पता लग जाएगी। उसमें क्या पता लग जाएगी? पदों की संख्या। जैसे यहाँ पर मैं निकाल लूँ, अगर n की बात कर रहा हूँ मैं, तो 21 + 1/2, 21 और 1 = 22, 22 / 2 का मतलब 11। n का मान क्या रखूँगा मैं? 11 रखूँगा। n का मान क्या रखूँगा मैं? 11 रखूँगा। बस काम बन गया भैया। अब यहाँ से मुझे योग निकालना, तो ये देखो फॉर्मूला क्या है हमारा, n² × 2n² - 1, ठीक है भाई। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? अब यहाँ पर हम जो करेंगे वो ये करेंगे कि 11 मान रख देंगे, 11^2 (2)-1, 11^2 = 121 होता है, और 11^2 = 121 कितने हो गए? 242 में से एक गए, 241 बचे, ठीक है भैया। भाई 11^2 = 121 और 121 कितने हुए? 242 में से एक गए 241। अब इनकी गुणा करनी है, केवल इनकी गुणा करनी है, कर दो भैया। किसकी? 241 की गुणा 121 में करनी। तो 1, 4, 2 + 2 रखा, 2, 8, 4 रख दिया और 1, 4 और 2 रख दिया। देखो भैया, 1 कितना आया? 6 कितना आया? 1 कितना आया? 9 कितना आया? 2 और कुल मिलाकर 29,161 जो है वो इसका जवाब आया, 29,161 जो है इसका जवाब आया। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, और इस बार हम उस तरीके से नहीं करने गए,
इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से हम डायरेक्ट करेंगे और एक क्वेश्चन और आपके लिए ले लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हो चुका है आपका। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बिल्कुल सेम इसी तरह से जो काम करना है इसी का जो भैया क्वेश्चन होगा उसी को देखते हैं। जैसे देखिए आया 1³, 3³, अप टू 7³ निकालना, कुछ नहीं है तो एन का मान निकाल लो, 7+1 8/2 मतलब यहाँ पर 4 आ गया। एन का मान कितना आया? 4। हमें निकालना है योग, हमें क्या निकालना है? योग, हमें क्या निकालना है? योग। और सूत्र क्या है हमारा? बार बार लिखो, बार बार लिखो, और बार बार इस काम को करोगे तो पीछे नहीं हटने वाले, बार बार इस काम को करोगे तो आगे ही बढ़ते जाना है, और यहाँ पर एन की वैल्यू 4 रख के लाना है। ठीक है भैया, अब यहाँ 2 × 4^2 − 1, 4 × 16, 16 × 32 में से 1 गए 31, 31 की और 16 की गुणा कर दो, 16 × 16 का 6 कैंसिल को 1, और 16 × 3 = 48, 48 और 1 हो जाएंगे 49, कुल मिलाकर कितना आ गया? 496 जो है इसका उत्तर है। देखा कितनी जल्दी ये होता है, आपको ये ट्रिक कैसी लगी बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं भैया भर भर के कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? भर भर के कर सकते हैं। लगातार संख्याएं 1 से स्टार्ट होनी चाहिए, केवल कंडीशन इतनी सी है। अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास तक बने साथ, धन्यवाद।